खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आज ही अपनी एक डीपी चेंज की। एक पुरानी पिक्चर थी, मैंने सोचा उसके आगे पीछे लाइट ऐड करके कुछ नया रंग दे के इसको डीपी बनाया जाए। जैसे ही मैंने वो पिक्चर अपलोड की, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए कि ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा। बेसिकली आगे पीछे साइडों पर कलर ऐड करना, लाइट ऐड करना फ़ोटोशॉप में आप कर सकते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन मुझे ये सब करना लाइट रूम में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे ज़्यादा आसान लगता है। तो चलते हैं लाइट रूम पे और देखते हैं ये कैसे हुआ है। अच्छा जी, तो ये वो पिक्चर है जिस पे मैंने काम किया था। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर, इस जगह, और यहाँ से आपने चूज़ करना है लीनियर ग्रेडियंट। क्लिक करेंगे, फिर आप ऐसे इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ। पोजीशन आपकी चेंज कर सकते हैं, जिस साइड पर भी आपको देना हो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसके बाद सेचुरेशन हाई और टेम्परेचर भी हाई करना है। और यहाँ से आपने कलर चूज़ करना है जो आप इसमें कलर देना चाह रहे हैं। ये अच्छा कलर है। टेंट आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा है, ठीक है। इसके बाद मुझे इसका जो गैप है वो बढ़ाना है ताकि कलर ज़रा फैला हुआ लगे, कुछ इस तरह से। अभी इसी के नीचे काम नहीं करेंगे, हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू मास्क पे। अगेन लीनियर ग्रेडियंट, और इस दफ़ा हमने इसको ऐड करना है इस तरफ। बड़ा सिंपल है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, लेकिन फ़ोटोशॉप से बेहतर है आप इस पे काम करें, क्योंकि इस पे बड़ा इजीली आता है। सेम थिंग, सेचुरेशन फुल, टेम्परेचर फुल, और यहाँ से कलर आप चूज़ करें अपनी मर्ज़ी का। सपोज़ ग्रीन अच्छा लग रहा है, टिंट आप चेंज कर सकते हैं, और सेचुरेशन ग्रीन की कम करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ इस तरह से। मज़ीद आप कलर चेंज कर लें, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इस कलर के साथ अगर मैं पहला मास्क है वो चेंज करता हूँ कुछ इस तरह का, तो और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी प्ले करें। इसके बाद आप देखें कि गैप कितना बन रहा है, ठीक है। गैप आप आगे पीछे आसानी से कर सकते हैं, जहाँ पे एक अच्छी लुक आए वहाँ आप इसको छोड़ दें, ठीक है। ऑफकोर्स ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ इस तरह से। तो ये है सिंपल सा आइडिया, सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है। आप ट्राई करें, कोई सवाल हो पूछें, कुछ और सीखना हो तब भी मुझे बताएं। और फ़िलहाल मुझे इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।